वेलकम फ्रेंड्स टू चैनल कृष्ण बागुल। डियर फ्रेंड्स, हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस अप्रतिम क्रांतिकारक बदलाव लाने वाले किताब का नाम है दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डियर फ्रेंड्स, इस पुस्तक ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारक बदलाव लाया है। हमें विश्वास दिलाती है, ट्रस्ट दिलाती है, कॉन्फिडेंस दिलाती है कि जिंदगी में हम जीतने के लिए आए हैं, कुछ अलग करने के लिए आए हैं, हम कुछ अलग कर सकते हैं। डिफेंस, हम देख चुके हैं कि दुनिया भर में हर जगह चमत्कार होते हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बस आपके अवचेतन मन की शक्ति को जान ले, समझ ले और उसके ऊपर अगर एक्शन करते हैं तो 100% आप जो भी सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। डिफेंस, हम इस अध्याय में जानेंगे, जैसे कि आप सोच रहे हो मैं ज़्यादा आमदनी का हकदार हूँ, मेरी राय में ये अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वे सचमुच ज़्यादा आमदनी का हकदार होते हैं लेकिन उन्हें ये मिलती नहीं है। इन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि वे मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते या मानते हैं। वे अपने बच्चों और दोस्तों से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों का जड़ है। उनके दौलतमंद न बन पाने का एक कारण ये भी है कि उनके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं यह भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। हो सकता है कि यह अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों की गलत विश्लेषण के कारण हो गया हो। फ्रेंड्स, एक बार लेखक को एक आदमी ने कहा, मैं दिवालिया हो गया हूँ लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, मुझे धन पसंद नहीं है, ये सारी बुराई की जड़ है। ये कथन द्विधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिक के सूचक है। धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज़ से ज़्यादा हो जाए तो इससे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति का सत्ता का समझदारी से प्रयोग करेंगे। कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं, बाकी धन के भूखे होते हैं। अगर आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते और कहते हैं मैं सिर्फ धन चाहता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करूँगा, बाकी किसी चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं है, तो हो सकता है कि आप धन कमा ले और ढेर सारा जमा भी कर ले, लेकिन आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे। आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता को भी संतुष्ट करना चाहिए। धन संग्रह को एकमात्र लक्ष्य बनाकर आप गलत चुनाव करते हैं। हो सकता है आप सोचें कि आप सिर्फ धन ही कमाना चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद आप पाते हैं कि आपका सिर्फ धन की ही जरूरत नहीं रहती है। किसी ने भी मृत्युशैया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं की कि काश उसने पैसे कमाने में ज़्यादा समय लगाया होता। आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता और दूसरों की सफलता तथा कल्याण में योगदान देने की खुशी की इच्छा भी करते हैं। अगर आप चाहें तो आप सबकॉन्शियस माइंड के नियम को सीखकर $10,00,000 या $1,00,000 भी कमा सकते हैं और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं। फ्रेंड्स, गरीबी एक मानसिक रोग है। गरीबी में कोई गुण नहीं है, ये किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको ये एहसास होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहेंगे और स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह अगर आपके जोर में धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई ना कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी दब्बे रहने, कीचड़ में पहनने और भूखों मरने के लिए नहीं आए। आपको खुश, समृद्ध और सफल बनना चाहिए। डिफेंस, धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से धो डाले। कभी भी धन को बुरा या गंदा न माने। ऐसा करने पर ये पंख लगाकर आपसे उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आपकी जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते।
डिफेंस, पॉजिटिव रहना हमारी जिंदगी में बहुत ही आवश्यक है। ऐसे पॉजिटिव विचार करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।